मैं चंद्रकला अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ऐसे प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी जो जाड़े का प्लांट है, लेकिन उसे किस तरह हम अगले सीजन तक बचा कर रखें ये खास बात है। ये प्लांट को कलांचो के नाम से जाना जाता है। ये कई रंगों में आता है। मेरे पास ये प्लांट है जिसमें रेड कलर का फ्लावर खिलता है। मेरे पास ये सिंगल पेटल्स वाले फ्लावर हैं। वैसे तो ये जाड़े का प्लांट है। जाड़े में लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर खिलता है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें पूरे प्लांट में फ्लावर खिले थे, अब ये सूख गए हैं। ये जितने भी सूखे हुए आपको दिख रहे हैं, ये सारे फ्लावर खिले हुए थे जो अभी मई के महीना में ये सूख गए हैं। जाड़े के मौसम में इस प्लांट को अच्छी धूप चाहिए। मई में इसका फ्लावरिंग आना बंद हो जाता है। इस प्लांट को ज़्यादा पानी न दें। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है तो समर में घरेलू फर्टिलाइज़र ही डालें। ड्रेनेज होल को चेक करते रहना है। यदि गर्मी में आप ज़्यादा पानी दे देंगे और ड्रेनेज होल यदि बंद हो गया तो प्लांट सड़ने लगता है। अब मैं प्लांट के ये सूखे फूल हैं जिसे मैं, ये आप देख रहे हैं, डाल सहित काट दूंगी। जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें यहाँ डाल नीचे से, और इसके ये जैसे सूखी पत्तियाँ हैं इसे भी आप निकाल दें। ये जितने भी डाल हैं इसे अच्छी तरीके से काट कर निकाल दें। इसकी मिट्टी हल्की गुराई कर लें, क्योंकि इसे हमें समर में बचाकर रखना है। इसमें हल्की पानी देकर शेड एरिया में पूरे गर्मी के मौसम में रखें। करने से आपका प्लांट अगले जाड़े के मौसम तक रहेगी और नया नया फ्लावर देगी। यदि आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो जुलाई के महीना में कटिंग लगाएं। जल्दी ग्रो करेगा और समय से फ्लावर भी देने लगेगा। आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएँ, यही उम्मीद में मैं अपनी बात को विराम लगाती हूँ। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें। तब के लिए नमस्कार।